हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन एस डी एस बी एम ऑनलाइन क्लास बैठा है। ऑनलाइन क्लास बैठा है मैं स्टूडेंट आज क्लास सेवन का सेकंड पार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तुमको मैंने पढ़ाया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो किस प्रक्रिया के तहत बनाते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेता है और जल को, वाटर को पेड़ जो है, पौधे जो हैं अपनी जड़ों से ले लेते हैं और उसके बाद से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण पौधों में पत्तों का रंग क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। ये बात ये आप लोग जान लें, पूछता भी है एग्जाम में। एंड द सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं पौधे, तो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हो गए, इसको अलग से लिख लेना कॉपी में। तो पहला रॉ मटेरियल हो गया वाटर, दूसरा रॉ मटेरियल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा रॉ मटेरियल हो गया सनलाइट। ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं पौधों में और इससे जो है ये अपना प्रक्रिया को पूरा करते हैं। क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करता है अर्थात लेता है, कौन लेता है, तो क्लोरोफिल का काम है लेना, और इससे वह गार्ड सेल को देता है। गार्ड सेल बीन शेप्ड होता है स्टूडेंट, बीन के आकार का अर्थात राजमे के आकार का होता है, और गार्ड सेल का काम क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कार्य करना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस माने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ये सारे कार्य किसके हैं, तो गार्ड सेल के कार्य हैं। और उसके बाद से उनमें अंदर में पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्ट्रोमेटा कहते हैं, और उनमें जो है ये लिक्विड फिल्ड भरे हुए होते हैं और उसी के अंदर में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्योंकि ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट्स कौन हो गए, क्लोरोफिल, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और बाद में ये रासायनिक अभिक्रिया करके, हाँ, सनलाइट और क्लोरोफिल से रासायनिक अभिक्रिया करके एनर्जी बनाएंगे अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। कार्बोहाइड्रेट को इन फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं और पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, स्टार्च के रूप में इसको संग्रहित भी करते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट कर देते हैं कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में, जिससे हम लोग श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अब बात आती है क्या कि पौधे जो होते हैं उनमें तरह तरह के कलर में भी पाए जाते हैं, जैसे रेड हो गया, वायलेट हो गया, हाँ, येलो हो गया, तो उनमें जो है पिगमेंट जो है अलग अलग डोमिनेंट पिगमेंट होते हैं, वे पिगमेंट डोमिनेंट पिगमेंट कहलाते हैं, उनकी वजह से ये इनके कलर अलग अलग होते हैं, जैसे क्रोटन के पौधे में हम लोग देखते हैं। अब बेसिकली बात ये आती है कि तुम लोगों ने देखा होगा कि वाटर जो है पेड़ के पत्तों के माध्यम से कभी कभी इवेपोरेट होता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन। हाँ, तो वो प्रक्रिया ट्रांसपिरेशन कहलाती है। और कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, प्रभावित करते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो पहला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की तीव्रता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन कितना आ जाता है, कितना घनत्व, वाटर कितना है, सो वाटर कितना है, और वाटर में बेसिकली हम लोग ये भी देखते हैं कि वाटर के साथ में हमारा जो लेवल है किस चीज का, तो टेम्परेचर को भी अफेक्टेड करता है, हमारे प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अफेक्टेड करता है
ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड टेम्परेचर। ये चारों के चारों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस करने में। तो उसके बाद से भोजन बनने के बाद से अन्य भी चीज़ें पौधों को जरूरी होती हैं, जैसे सोडियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया। हाँ, तो ये सब चीज़ें, नाइट्रोजन जो होते हैं बेसिकली पौधे अपने बॉडी सेल को रिपेयर करने में, अर्थात प्रोटीन का वर्क करता है नाइट्रोजन। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिम्बियोसिस के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।